थ्री चैप्टर आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं और आज चैप्टर नंबर फोर मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स। तो इसमें क्वेश्चन जो आएंगे वो मल्टीप्लाई के और डिवाइड के क्वेश्चन आएंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड क्वेश्चन को आपको किस तरह सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम समझा रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर बाई 10, 100, 1000, ठीक है, इस टाइप से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किस टाइप से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक नंबर है 4895, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितने जीरो, सबसे पहले यहाँ पे 0 1 10 है तो 10 यहाँ पे पुट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ 1 बचे, अब इस 1 की मल्टीप्लाई इन सभी में कर देंगे, 15 5, 19 9 और 18 8 और 14, यानी कि जब 1 में मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर एज इट इज रहेगा, जैसा है ऐसा ही रहेगा और 10 है वहाँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ जो 30 है वो 10 का 3 टाइम है, तो 328 into 30, देखें 328 into 3 into 10, क्या तो 10 से डिवाइड करेंगे, 10 थी 3 से मल्टीप्लाई, 3 8 24, 3 2 6 और 2 8 9 9 84 into 10, और 10 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 0 पुट करते हैं। यहाँ देखिए जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में तो ये 2 0 यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे ही पुट कर लेंगे, 2 0 और 1 से मल्टीप्लाई करना एज इट इज रहेगा नंबर, तो 456 एज इट इज रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर एज इट इज रहेगा, ठीक है, और 2 0 यहाँ पे पुट कर लेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 ऑलरेडी उसकी पुट कर देंगे, सुपर करो ये है 54 into 1000 तो लिखेंगे 3 0 और 54 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 54 रहेगा एज इट इज रहेगा 54,000, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए 4.84 एक्सरसाइज वाई है, 4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स। यहाँ देखिए 8570 इक्वल से इस साइड में ये नंबर है और यहाँ पे जो सेकंड नंबर है 8175 ये नंबर नहीं है, तो ये नंबर यहाँ आएगा 8175, ऐसे ही ये नंबर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये आएगा 7125 इक्वल से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी नंबर में तो वो नंबर एज इट इज रहेगा 3795। इफ वी मल्टीप्लाइड विद एन नंबर बाई 0 देन कम्प्लीटली 0, यानी कि किसी नंबर में यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर 0 बन जाएगा, ठीक है, कितना ही बड़ा नंबर हो यदि किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये है नंबर 2494 और यहाँ इक्वल के इधर भी लिखा है 2494, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि नंबर एज इट इज रहे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। देखिए इस नंबर में 0 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ देखिए 92 into 50 into 5 equal 92 into 50 into 5 equal 92 into 5 और into 50। सेकेंड क्वेश्चन मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन 152 into 80 से मल्टीप्लाई करना और 262 into 90, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं 152 into 80, क्या करेंगे 152 into 8 into 10, 8 2 6 कैरी 1, 8 5 40 और 141 कैरी 4, 8 1 8 और 4 12 इंटू 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में तो 10 से पुट कर देंगे 12 1 6 और ये 0, ये इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन बी
1375 into 50. तो यहाँ पे देखिए डैक करेंगे, जीरो जीरो पुट कर लेंगे यहाँ पे और फाइव से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव फाइव या 25 डायरेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, जीरो पुट कर लेंगे वन, वन जीरो यहाँ पुट कर लेंगे और फाइव से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, फाइव फाइव या 25 कैरी टू, फाइव सेवन 35, 35 और टू 37 कैरी थ्री, फाइव थ्री या 15 और थ्री 18 कैरी वन, फाइव वन या फाइव और वन 6 क्या आंसर होगा। अब सी पार्ट आप करना है, डी डी पार्ट करेंगे, डी पार्ट है 1 2 6 2 9 इंटू 600, 600 में यहाँ पे 20 है तो 20 ऑलरेडी पुट कर लेंगे। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में, 6 नंबर 64 कैरी 5, 6 जो 12 और 5 17 कैरी 1, 6 जो 36 और 1 37 कैरी 3, 6 टू जो 12, 12 और 3 15 कैरी 1, 6 जो 6 और 1 7 सुनिए आपको। और देखिए ई पार्ट आप करना है आपको, एफ पार्ट देखिए 3 2 5 0 इंटू 5000 इक्वल 30 और 10 है, 3 और 1 40 ऐसे ही पुट करना, 1 2 3 और 4। अब यहाँ बचा 5 और यहाँ 320, तो 5 की मल्टीप्लाई उसमें यहाँ करेंगे, 5 5 जाए 25 कैरी 2, 5 3 10 और 2 12 कैरी 1, 5 3 जाए 15 और 1 6। ये इसका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ तक की एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी में नोटबुक में करना है, ठीक है।